वॉचिंग अलर्ट इंडिया न्यूज। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कठुआ के साल 2015 में हुए चुनाव क्षेत्र संख्या 11 हरदो मुठी के हलके के मतदान नतीजे को माननीय हाई कोर्ट में चुनौती देने के बाद हाई कोर्ट के निर्देश पर आज जिला सचिवालय में इस हलके के वोटों की गिनती दोबारा की गई, जिसमें एक बार फिर से हरदो मुठी हलके से नवजोत सिंह सिद्धू को जीत हासिल होने पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कठुआ के सदस्यों ने खुशी जताई है। इस अवसर पर कठुआ के गुरुद्वारा सिंह सभा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए डीजीपीसी के जनरल सेक्रेटरी नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि आज एक बार फिर से सच्चाई की जीत हुई है। इसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग सहित डीसी कठुआ का धन्यवाद करते हुए कहा कि सिख धर्म की सेवा के लिए उन्होंने सच्चे मन से कार्य किया है, जिसके कारण उन्हें एक बार फिर से जीत हासिल हुई है। वाहेगुरु जी का खालसा। अज डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की पूरी टीम ते गुरु नानक नाम लेवा सारे सिख बिरादरी भाईचारा ते नाल ही गुरु ग्रंथ साहब नू अपना इष्ट ते गुरु मनन वाले सारे ही सज्जन इत्थे अज कट्ठे होए हां। असी डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के दफ्तर के अंदर ते अज कट्ठे होने का जिहड़ा विषय है वह यह सी कि 8 मई 2015 दे विच जिहड़ा डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जिहड़े इलैक्शन 11 कॉन्स्टिट्यूएंसियां दे विच जिहड़े इलैक्शन होए सन उस इलैक्शन दे विच दास नूं जिहड़ी एक वोट नाल जिहड़ी आ परमात्मा ने उस अकाल पुरख वाहिगुरू ने सेवा बख्शी सी ते कमेटी ने बड़ा माण बख्शिया ते कमेटी ने जिहड़ी है वह जनरल सैकटरी की जिहड़ा जनरल सकत्तर की जिहड़ी सेवा वह दास नूं दित्ती सी जिहड़ी कि बड़ी ही इंपोर्टेंट जिहड़ी सेवा सी ते मेरे पिंड वास्ते भी यह बड़ी माण की गल सी कि जिथों मैं मैंबर जित के आया तो कमेटी ने उस पिंड की संगत की जिहड़ी चोन सी यानी कि मैं उस चोन नूं बड़ा सम्मान दिता। वह सम्मान मैनू नहीं बल्कि मेरे पिंड के लोगों जिन्होंने मैं वोट दे के ते जिताया वह सम्मान उन्हां दा सी कि मैनू समूह कमेटी ने जिहड़ा जनरल सकत्तर का जिहड़ा मैनू पोजिशन दिती और जनरल सकत्तर की सेवा करन दा मैनू अवसर मिलिया। उम्र दे विच शायद मैं इस कमेटी दे विच सारियां नालों निक्का लेकिन एक्सपीरियंस जिहड़ा मैनू सारियां तों ज़्यादा एक्सपीरियंस होया क्योंकि असी सारे गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरु मनन वाले इष्ट मनन वाले असी लोग हाँ और जिहड़ी मेरी पूरी कमेटी है जिन्ने साडे मैंबर अज साडे विच सरदार दलीप सिंह जी जिहड़े अज साडे विच नहीं हन लेकिन उन्हां दी गाइडलाइन ते उन्होंने जो सानू सेध दित्ती सानू बड़ा सहयोग दिता उन्हां नूं देख के असी सिखिया क्योंकि मेरे तों पहले वो जनरल सकत्तर सन। अज दे दिन मैं उन्हां नूं भी श्रद्धांजलि देंदा और याद करदा ते जिस दिन तू असी दास उत्थों इलैक्ट होया सी उसे दिन तू हाई कोर्ट दे विच जिहड़ी दूसरी पार्टी सी उन्हें जिहड़ा उत्थे अपनी पटीशन दायर कर दी साडे खिलाफ रिट कर दित्ती। हुण गल इह है कि इत्थे दो ग्रुपां दे इलैक्शन होए एक दा निशान पक्खा सी एक दा निशान टेबल सी लेकिन दास ना एक ग्रुप की तरफों लड़िया ते ना दूए ग्रुप की तरफों लड़िया दास दा निशान जिहड़ा पतंग सी दास इंडिविजुअल लड़िया सी इस करके दास दे मन दे विच शौक सी कि असी जाइए सेवा करिए लेकिन जिथों गल आई समर्थन देने की प्रधान चुनन की तो दास ने देखा कि सरदार चरणजीत सिंह जी जेड़े कि पिछले लंबे समय तो दो टैनूर प्रधान रह चुके हैं और इन्नी अच्छी उन्होंने इमारत बनाई है और सब तो वड्डी जिहड़ी गल सी कि गैर सिख लोगों के नाल जिहड़ा और साडा बाकी बिरादरी भाईचारा उहदे नाल बड़ा अच्छा रिलेशन उन्होंने बनाया सी और पूरी कम्यूनिटी के उन्हों का बड़ा अच्छा सम्मान सी और गुरु घर की बेहतरी वास्ते तरक्की वास्ते उन्होंने काम किया सदा और साड़ी बिलादरी इस भी अच्छे काम करते इस करके मैं जिहड़ा सरदार चरणजीत सिंह की सपोर्ट की सी और जो रिट उन्होंने दायर की है और उस रिट के साड़ी जिहड़ी हरासमेंट हुई मैं समझदा कि बिल्कुल नाजायज सी क्योंकि इतने ना कोई तनखाह मिलनी है ना कुछ करना उत्थे सेवा भावना वाली गल है। तो अज फिर जदों हाई कोर्ट का आर्डर आया कि इतने जिहड़ा रीकाउंटिंग होनी चाहिए है
23 तरीक का यानी कि अज का दिन मुकर्र होया सी। आज सवेरे 10 बजे का टाइम सी लेकिन 11 बजे जिहड़ी आ रीकाउंटिंग हुई और रीकाउंटिंग दे विच ओ वोटां खोलियां गईयां। एक एक वोट माननीय डीसी साहब ने, रिस्पेक्टेड डीसी साहब ने और एडिशनल डीसी साहब ने और एसीआर मिश्रा साहब, एसीआर अतुल शर्मा जी, वो पूरा बेंच जिहड़ा बैठिया सी उहदे विच जे तहसीलदार हैडक्वार्टर साहब भी सन, सारे लोग बैठे और उन्होंने जिहड़ा मेरा पटिशनर सी यानी कि मेरा जिहड़ा मेरे अपोजिशन ते जिन्हें इलैक्शन लड़िया सी उसनू एक एक वोट दस के ते डीसी साहब ने तसली नाल दस्या कि देखो इहदे विच कोई हेराफेरी होई नहीं है। तो मेरे वीर ने वो वोटां देखियां और तसली हो गई कि कोई हेराफेरी नहीं हुई ते उहदे मन दा भी वहम निकल गया। वहीं डीजीपीसी के प्रधान चरणजीत सिंह बोला ने कहा कि जिन लोगों ने भी चुनाव प्रक्रिया को चैलेंज किया था उन्हें पता चल गया है सच्चाई को कोई भी झुठला नहीं सकता। जी की फतेह। आज मैं मुबारक देना चाहना कि साडे जिला दी संगतां नूं कि जिन्होंने नवजोत सिंह नूं चुन के भेजा ते कुछ जिहड़े कि पंथ दे जिहड़े दोखी लोग सन उन्होंने हाई कोर्ट दे अंदर रिट कीते। मैं मानना चाहना कि अगर इस साडे संसार दे अंदर अगर कोई जज है ते वो एक परमात्मा का रूप होंदा है, लेकिन अज सही डिसीजन जिहड़ा है कि अगर हाई कोर्ट ने इनकुआरी वास्ते किया अज 4 साल दे बाद 4 साल असी तरीका भुगत के ते अज जिहड़ा कि डिप्टी कमिश्नर नूं डायरेक्शन मिली के इहदा जिहड़ा कि वह देखा जाए सच की है झूठ की है। अज 4-5 बंदियां दा बेंच जिहड़ा कि वह अज डीसी ऑफिस दे विच बैठा और उन्होंने बैठ के एक एक वोट नूं देखिया और सही डिसीजन जिहड़ा कि वह उन्होंने दिता। गुरबाणी का फरमान है कूड़ निखुटे नानका उड़क सच रही, हमेशा सच्चाई की जीत होंदी है। और जिहड़ा भी इंसान सिख धर्म के अंदर जिहड़ा कि सिख धर्म के विच रह के गुरु ग्रंथ साहब तो कितने बाहर जाता है जां गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरु नहीं मानता तो उहदा कदे भी भला नहीं होंदा, क्योंकि इस गुरुद्वारा साहब के अंदर जिहड़े भी लोग साडा जिन्हां ने अपोजिशन करके उन्होंने इलैक्शन लड़ी, लेकिन उन्होंने जिहड़ी इलैक्शन लड़ी उन्होंने सिर्फ देहधारियों के मगर लग के इलैक्शन लड़ी, तो असी जिहड़ी इलैक्शन लड़ी वह गुरु ग्रंथ साहब नूं अपना ईष्ट मान के असी इलैक्शन लड़ी और पहला नहीं दूसरे टेनवर के असां फिर जित प्राप्त की और उस अकाल पुरख का नाम लैके अज जिहड़ी भी शहर के अंदर जिहड़ी डिवेलपमेंट हुई है मैनूं कहण की जरूरत नहीं है। तो इस मेरे तो पहला भी बड़े इतने मैंबर आए और मैंबर चले गए और प्रधान रहे, लेकिन उन्होंने एक इट इधर की उधर नहीं की क्योंकि वह सिर्फ सलूटां तक ही सहमत रहे, लेकिन अज अकाल पुरख की कृपा के नाल अज इतना बड़ा गुरद्वारा साहब इतने बनया, मुसाफरां लई जगह बनी है, अज साडे कोल गुरद्वारे के अंदर मोचरी लई गड्डी है, साडे कोल फ्रिज हन मुसाफरां लई जगह और साडे जिहड़े मुलाजम हन जिहड़े इत्थे साडे गुरद्वारा साहब दे उन्हां लई क्वार्टर हन और किसी भी चीज़ की कोई जिहड़ी घाट नहीं है और वध तो वध जिहड़ा कि प्रोग्राम जिहड़े गुरद्वारा साहब के अंदर अज चल रहे हैं उस इस कारण चल रहे हैं कि असी एक इमानदारी के नाल सच्चे दिल के नाल असी उस अकाल पुरख की सेवा कर रहे हैं। अगर वाहिगुरु ने कृपा रखी तो आने वाले समय के बीच भी असी उस अकाल पुरख का ही सहारा लैके तो तीसरी बारी भी असी एक अपना फिर रिकॉर्ड बनाएंगे। सो मैं उन्होंने ये बेनती करता चाहता कि गुरु के लड़ लड़ो लगो गुरु ग्रंथ साहब जी की गल सुनो, क्योंकि तुसी गुरु ग्रंथ साहब जी के उल्टे चले हो तो अज साडे उपर 15 केस दुकाना के जिहड़े साडे सामने चल रहे हैं। मैं इन्होंने दुकानदारों को भी बेनती करदा कि गुरु के नाल टक्कर लैनी तुहानू नहीं कदे भी पूरी पेगी, चुप करके तुहानू अंदर अगर दुकाना मिलदियां तो अंदर आ जाओ तो कोर्ट के विच तुहानू कुछ नहीं मिलना, तो जिन्हां लोगों के पिछे तुसी पे दे हो जिन्हां दे कहण ते तुसी चल रहे हो वो कदे भी तुसी कामयाब नहीं होवोगे, क्योंकि असी सच्चे मार्ग चलदिआं उस्तत करे जहान असी तो सच के रस्ते ते चले दिया ते हमेशा सच की ही जित होएगी। मैं फिर सारियां नूं फिर लख लख बधाई दिंदा और आस करदा कि वाहिगुरु इस तरह ही साढ़े ते मेहर भरिया हाथ रखण ते असी अगे वास्ते भी इस तरह ही सेवा करदे रहिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु। कठुआ से अमित बान, अलर्ट इंडिया न्यूज। Alert India News.